उत्तर कोरिया की तरफ से एक बार फिर परमाणु टेस्ट की आशंका के बाद अब बाइडेन ने किम जोंग उन को कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा जा रहा है कि किम कभी भी परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं, जो इतना ताकतवर होगा कि उससे होने वाली तबाही को रोक पाना किसी भी देश के बस में नहीं होगा। लेकिन उत्तर कोरिया के इस खतरनाक प्लान ने उसके पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया, जापान और इनके साथ खड़े अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे भी किम अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते। उन्होंने अब तक अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की धमकियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने जब चाहा तब अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, परमाणु परीक्षण किए और तो और दक्षिण कोरिया और जापान की सीमा तक अपने लड़ाकू विमानों और जहाजों को भेजकर उन्हें डराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में किम का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब अमेरिका ने उसकी सीमा के नजदीक समंदर में दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर वायुसेना की मिलिट्री ड्रिल की थी और इस बात पर किम इतने भड़क गए थे कि उन्होंने अपने कई फाइटर जेट को मैदान में उतार दिया था। बाद में उन्होंने खुलकर इसे युद्ध की तैयारी बताया। यानी किम ने साफ धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उसे हल्के में लेने की भूल की तो उन्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद भी जब उत्तर कोरिया के तानाशाह का मन नहीं भरा तो उन्होंने परमाणु टेस्ट करने की ठान ली। माना जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया का सातवां परमाणु टेस्ट हो सकता है और जैसे ही इसकी आहट दुनिया को हुई, भूचाल आ गया। आनन फानन में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने अहम बैठक की, जिसके बाद बाइडेन ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और उत्तर कोरिया को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दे डाली। हालांकि कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर इस बार भी इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। यूक्रेन के खेरसोन में वहाँ के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। पिछले 9 महीने से खेरसोन पर रूसी सेना का कब्जा था, लेकिन अब जब पुतिन की सेना पीछे हट गई तो लोगों ने भी राहत की सांस ली। रूस की फौज के खेरसोन छोड़ने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले और जमकर जश्न मनाया। पुतिन के सैनिकों से मिली आजादी के बाद कुछ जगहों पर तो यूक्रेन का झंडा भी फहराया गया। इस दौरान पूरे शहर में जश्न का माहौल दिखाई दिया। कोई खुशी के मारे दौड़ता नजर आया तो कई अपनों को गले लगाकर उन्हें बधाई देते दिखे। खेरसोन में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों लोग सड़क पर इकट्ठा हुए और काफी देर तक जश्न मनाया। चारों तरफ सिर्फ यूक्रेन का झंडा और सड़क पर दौड़ते बच्चे ही नजर आए। रूसी सेना से आजादी मिलने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यही नहीं, लोगों ने सड़क पर दिखे अपने सैनिकों को गले लगाकर उनका हौसला भी बढ़ाया। खेरसोन में लोग बिजली, पानी और इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आजादी के जश्न मनाने का मौका नहीं छोड़ा। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अस्पताल में भर्ती होने की खबर को रूस ने खारिज कर दिया। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि रूस के विदेश मंत्री को इंडोनेशिया की राजधानी बाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को अफवाह बताया। बाली में G20 सम्मेलन में पुतिन शामिल नहीं हुए और उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। और उधर दुनिया को आर्थिक मार से बचाने के लिए अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया है। अमेरिका की वित्त मंत्री ने G20 की बैठक से पहले इंडोनेशिया में ये बयान दिया, जिसे पश्चिमी मीडिया में रूस पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने दलील दी कि दुनिया को आर्थिक उथल पुथल से बचाने के लिए जंग का बंद होना जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर उनका ये बयान फ्रांस की वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद आया।